नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इंडिगो रेमिटी स्टॉक का रिव्यू, आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, आखिर आने वाले समय में सब कंपनी कितना रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, क्या कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी में अभी शेयर को होल्ड करने का बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हमें कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा, कंपनी के पिछले 5 सालों में जाना होगा और उन सारी जरूरी रिपोर्ट्स को देखना होगा जो काफ़ी जरूरी होती है कोई भी निवेशकों के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इन रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भाई कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी, कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। जैसा कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो भाई कंपनी की मार्केट कैप टाइप जो है स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है, कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू है 3056 करोड़ की और कंपनी का स्टॉक रैंक आप देख सकते हो, और कंपनी जो है मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में काम करती है और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी, अब हम कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। अगर 1 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय में 157 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद यानी अगर 2024 में इस वैल्यू को देखें तो वही 157 से बढ़ के यहाँ पे देखिए इस पेज पे इसकी वैल्यू 157 रुपये से बढ़ के ये हो गए 324 रुपये और ये मैक्सिमम गई है 530 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 112% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, जो कि लगभग लगभग एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, पर इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जैसे ही कंपनी के शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट ऐड कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू कितना बना रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय में 974 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम कंपनी की -2.90, यानी कंपनी जो है नेगेटिव इनकम बना रही थी, यानी कंपनी नुकसान में चल रही थी। और अगर 2023 में देखें 5 सालों के बाद तो कंपनी का रेवेन्यू तो 974 से बढ़ के 1670 हो गया, जो कि एक अच्छा संकेत है। पर अगर नेट इनकम को देखें तो भाई नेट इनकम जो है कंपनी की वो भी लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी जो है पहले तो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं चल पा रही थी, पर अभी पिछले 2 से 3 सालों में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ साल में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कंपनी की संपत्ति को देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि भाई जो कंपनी के एसेट्स है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 1258 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 1258 करोड़ से बढ़ के 1658 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश करते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स बढ़ सकेंगे, तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है, पर क्या इसका जो है लाभ अपने निवेशकों को दे पा रही है डिविडेंड के जरिए। तो कंपनी जो है 2023 में डिविडेंड दिया, जो कि 2.25 रुपये के हिसाब से पर शेयर पर दिया था, और अगर उसके पहले का डिविडेंड देखें तो भाई कंपनी ने जो है एक स्पेशल डिविडेंड दिया था 2022 में, जो कि 0.75 पैसे था, और कंपनी 2022 में दूसरी बार भी डिविडेंड दिया, 2021 में दिया, 20 में दिया, मतलब लगभग कंपनी जो है थोड़ा डिविडेंड दे रही है पर लगातार डिविडेंड दे ही रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा ही सही पर कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है, और समय के साथ कंपनी का जो डिविडेंड की वैल्यू वो भी बढ़ती हुई देखी जा सकती है, तो जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है कंपनी में निवेश करने का, तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग, कंपनी अपने शेयर की 58% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा, यह होल्डिंग पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 17.91% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 1.50% की होल्डिंग, अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 1.91% की होल्डिंग रखे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 19% होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हम भी इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें म्यूचुअल फंड कितनी अच्छी मात्रा में है और जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है वो भी लगभग लगभग एक अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। ठीक है, और अगर इसमें म्यूचुअल फंड बड़ी मात्रा में, तो इससे कह सकते हैं भाई आने वाले समय में कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा जो है रिटर्न देने की संभावना को बताया जा सकता है। दोस्तों, ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको भी एक प्लस पॉइंट देंगे। तो अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करने जाए तो भाई इसमें जो है हमें 500 प्लस पॉइंट देखने मिले हैं और माइनस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है। और इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।